Planet Bollywood. हाय, मैं हूँ सोनू सूद और इस बार गणपति बप्पा 16वीं दफ़ा मेरे घर पधारे हैं और पता नहीं चला 16 साल कैसे बीत गए। और मैं आपको अपने गणपति बप्पा से मिलवाना चाहूँगा और उनकी बहुत सारी विशेज और जो ब्लेसिंग्स हैं आपको अब तक पहुँचाना चाहूँगा जूम के जरिए। बहुत मज़ेदार रहता है। मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा मुंबई आया था और मैंने सोचा कि गणपति बप्पा को घर पर लेके आना है, तो बहुत चीज़ें सुनी थी कि बहुत विधि से करना पड़ता है, बहुत तैयारियां होती हैं, क्योंकि मैं पंजाब से था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस समय नहीं पता था गणपति बप्पा के बारे में। लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर पप्पा ने खुद ही सिखाया और जब पहली दफ़ा लेकर आए और आज 16 साल बीत गया उस चीज़ को, हमेशा 10 दिन का गणपति होता है हमारे घर पर और ख़ुद ब खुद गणपति पप्पा ने सब सिखा दिया है। बहुत दुआएँ दी हैं, बहुत आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण आज यहाँ ज़िंदगी में थोड़ा बहुत हासिल कर पाए हैं। अंधेरी स्टेशन के पास हम लोग लेने गए थे, बहुत सारा रश था। गणपति पापा को हमने कैसे डेकोरेट करना है, छोटी छोटी थर्मोकोल के शीट्स लेकर आए, रात भर खुद पापा का पूरा जो गंडोल था हम लोगों ने बनाया। उस समय नॉलेज नहीं थी, टेक्निक नहीं थी, लेकिन श्रद्धा थी। तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर लें, जिम ज़्यादा जाएँ, लेकिन पापा का प्रसाद ज़रूर खाएँ, क्योंकि जब आप प्रसाद खाएँगे तभी ज़िंदगी का प्रसाद आपको मिलेगा। मैं सभी लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आजकल इको फ्रेंडली गणपति आते हैं, इको फ्रेंडली विसर्जन केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर आप जाके विसर्जन कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि समंदर में जाकर ही विसर्जन करना है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत होता है और हमें जो हमारी प्रकृति है, एनवायरनमेंट है, उसे कंट्रोल करना है। तो इको फ्रेंडली पॉन्ड्स में जाके विसर्जन करें, इको फ्रेंडली गणपति लेकर आएँ, ताकि वी कैन सेव द नेचर। और पप्पा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, तो एज इंडिविजुअल आपकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं, उसे पूरी तरह निभाएँ और बस बोलते रहें कि गणपति बप्पा मोरिया।